उधर जिला गुना की चाचौड़ा विधानसभा से पूर्व आरटीओ जगदीश मीणा ने कांवड़ यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान रफ्तार मीडिया से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव भी जरूर लड़ेंगे, क्योंकि न केवल उन्होंने 10 वर्ष तक राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया था और साथ में ही जब उन्होंने निर्णय किया तो पैदल यात्रा की, नर्मदा जी की पैदल यात्रा की। इतनी यात्रा कोई नेता आज तक नहीं कर पाया। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बरखेड़ी जो महादेव जो देव जी का मंदिर है वहाँ पे 15 किलोमीटर पैदल यात्रा की। ऐसे नेता का हमारे क्षेत्र पे हमारे ऊपर आशीर्वाद होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसे नेता को आदर्श मानते हुए हम हमारे क्षेत्र के लोगों ने बात रखी थी, अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो हम निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, निश्चित रूप से मार्गदर्शन में काम करेंगे। मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगा, कांग्रेस का गढ़ रहा है चाचौड़ा बीनागंज सिमनारायण मीणा जी यहाँ से लगातार चार चार बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं। इससे पहले जनसंघ के समय पे कृष्ण बल्लभ गुप्ता जी ने यहाँ से विधायकी देखी है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण बल्लभ गुप्ता जी ने यहाँ से विधायकी देखी है, कुमराज से जो परियार जी आते थे भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक बने थे, ममता मीणा भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुन के गई थी। जोरदार कांटे की टक्कर में लक्ष्मण सिंह जी ने ममता मीणा को हराया था यहाँ कांग्रेस से। बड़ा देख कहा जाए तो राजोगढ़ और चाचौड़ा दिग्विजय सिंह जी के कहीं ना कहीं गृह क्षेत्र माने जाते हैं। राजगढ़ तक उनका जो राजनीतिक दबदबा है, राजनीति का कांग्रेस का जो झंडा है कहीं ना कहीं राजोगढ़ से फहराया जाता है। जब खुद दिग्विजय सिंह जी जहाँ जब उतरते हैं तो कहते हैं कि जनता घरों से निकलती है, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी यहाँ के बच्चे बच्चे से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से डायरेक्ट संबंध रखते हैं। या ये कहें कि जगदीश मीणा जी जो अभी बता रहे थे कि राजा दिग्विजय सिंह जी को ही अपना आदर्श मानते हैं, उनके इर्द गिर्द ये लोग यहाँ की राजनीति चलती है। क्या इस बार मैं आपसे फिर वही वाली सवाल दोहराऊंगा, अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या इंडस्ट्री यहाँ देखने मिलेंगी जिसकी यहाँ की जनता को काफ़ी समय से वो मांग है? क्या यहाँ युवाओं के लिए अच्छे कॉलेज देखने के लिए मिलेंगे? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को जनप्रतिनिधि बनाए या ना बनाए, मेरा एक सपना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री भी हो, यहाँ शिक्षा का कोई केंद्र हो जिससे यहाँ के युवाओं को कंपटीशन में भाग ले सकें, यहाँ के युवा सिलेक्ट हो सकें। निश्चित रूप से आप यह ना सोचें कि मैं यहाँ का मीणा समाज का अध्यक्ष हूँ, माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक हैं, हमने उनका हमेशा साथ दिया है। हम राजा दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, चाहे बल्लू चौहान हो चाहे जगदीश मीणा हो, यहाँ कांग्रेस एक है और एक रहेगी और कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस एक है एक रहेगी, दो टूक सवाल का इन्होंने जवाब दिया जगदीश मीणा जी ने। मीणा बाउल क्षेत्र है चाचौड़ा बीनागंज, यहाँ से भील गुर्जर और लोधा समाज भी आते हैं, अन्य समाज भी आते हैं। फिलहाल पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा है जगदीश मीणा जी चाचौड़ा विधानसभा के अंदर, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, आरटीओ से रिटायर हुए हैं, शुरू से इनकी जनसेवा में ही इनकी दिलचस्पी रही है। कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को और कहीं ना कहीं बीनागंज चाचौड़ा की जनता के लिए ये जनसेवक के रूप में कार्य करते रहे। फिलहाल मैं रफ्तार मीडिया के लिए लोकेशन बीनागंज क्षेत्र से राहुल चौरसिया।